भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से एक रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है, यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है। और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं बहनें बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है। भाइयों और बहनों, दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया।
अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मनचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मनचलों को पता है कि अगर सीमा लांघी तो कड़ी कार्रवाई होगी।